चैनल कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और उसी के साथ हम सभी भी बहुत अच्छे हैं गाइस। और मैंने अपना व्लॉग ये सुबह से तो स्टार्ट पता नहीं क्यों नहीं किया था, बिकॉज मे बी मेरा पहले वाला व्लॉग कंटिन्यू था, बट वो गाइस अपलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही है बिकॉज ना नेटवर्क इश्यूज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट हर रिजॉर्ट में हर अपार्टमेंट में वाईफाई होता है, बट वो उतना तेज़ी से उतने अच्छे से चलता ही नहीं कि हमारा व्लॉग अपलोड हो जाए, जैसे घर जैसा चलता नहीं है। तो अभी हम लोग गए हैं देहरादून में और हम लोग ऋषिकेश से निकल गए थे, उसके बाद हमने एक दो जगह देहरादून में एक्सप्लोर करी थी। मैम कहाँ गए थे तुम, क्या नाम था? गुरुद्वारा तो हम हेमकुंड ऋषिकेश में ही गए थे, हम वहाँ भी गए थे, उसमें हम लोगों ने राम झूला लक्ष्मण झूला सब जगह गए थे। और ना वहाँ पे तो वो तो हम ऋषिकेश में ही होके आए थे, देन हम देहरादून में एक दो चीज़ और जगह गए थे और उसके बाद हम लोग आ गए देहरादून, क्योंकि हमने अगला अपना जो रिजॉर्ट है वो देहरादून में बुक कर रखा था। और यहाँ का ना मीन्स व्यू बहुत अच्छा है, बट अभी ना रात हो गई है, मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊंगी, बट फिर भी जितना दिखा पाऊंगी मैं दिखाऊंगी। एंड गाइज ये है मेरा आउटफिट जो मैंने अभी वेयर कर रखा है, और ये मैंने यहाँ पर ही विशाल मेगा मार्ट से खरीदा था, क्योंकि ना आउटफिट्स थे पर ना मैं किसी भी ट्रिप में जाऊँ और अगर मेरे पास शॉर्ट्स ना हो और तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरी ट्रिप पे मुझे मज़ा नहीं आता यार, क्योंकि मैंने ना इतना मिस किया अपने शॉर्ट्स और टी शर्ट को, क्योंकि ये मेरे फेवरेट आउटफिट है। अगर मैं कहीं भी जाऊँ ना तो मुझे चाहिए होता है कि मेरे पास हाँ शूज़ हो, शॉर्ट्स हो और टी शर्ट हो, ये मेरी सबसे फेवरेट आउटफिट है हर ट्रिप के लिए तो है ही भाई। तो ये मैंने यहीं से बाय करे हैं, अभी कैसे लग रहे हैं वैसे कॉमेंट करके बताना, अच्छा लग रहा है वैसे तो। और बाकी अभी यहाँ पे नियर में ही रेस्टोरेंट है और यहाँ जैसे मैंने आपको पहले बताया था सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ वाली में तो हमें किचन में थोड़ी फैसिलिटीज़ थी, यहाँ पे किचन की भाई साहब ए टू जेड फैसिलिटी है। तो मम्मी ने कहा कि आज मम्मी कुछ अच्छा खाना बनाने वाली है, बाकी बाहर से आएगा बट कुछ कुछ मम्मी बनाने वाली है। और कुछ भी नहीं भाई, मेरे को फ्राइड राइस खाना है, वो बाहर से ही आएंगे। और गाइस बालों की हालत देखना, बस एक दो दिन शैम्पू लाना भूल गई और पूल वगैरह में रह के इधर के शैम्पू से धो लिए ना, तो ऐसे हो गए हैं। बाकी चले मैं आपको देती हूँ एक रूम का लुक, उसके बाद हम मिलते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। मैं आपको रूम का लुक दे रही थी बट इतने में मम्मी पापा बाहर गए थे, मैंने आपको बताया कुछ खाने के लिए लेके आए हैं, तो यार ये लोग मोमोज खा रहे हैं और मोमोज सीरियसली बहुत टेस्टी हैं। एंड ना हमने तीन रूम्स ले रखे हैं अभी, नोना लॉलीपॉप खा रही है, नाइस खा लो। हाँ और वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी यार गाइस, वहाँ पे देखो किचन है, मैं आपको दिखाऊंगी, डाइनिंग एरिया है, ये दो दो पर्सन्स के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे ये वाला बेड है यहाँ पे, और ये हमने लिया है वॉशरूम अलमीरा, एंड इसी से फिर हम चले जाएंगे नेक्स्ट बेडरूम में। तो ये वाला बेडरूम है और बाहर इसमें बालकनी भी है जो बहुत सुंदर है यार। यहाँ सिर्फ मोमोज ही है क्या? हाँ मैं आ रही हूँ। और यहाँ पे गाइज मैं फटाफट से मैं भी खा लूँ फिर मिलती हूँ आप। यहाँ पे मिरर नहीं है क्या, अंदर ही था क्या? और किचन के लिए भी यहाँ पे ये स्पेस है देखो, और सारी फैसिलिटीज़ हैं यार देखो, आराम से अपना खाना पीना बनाओ खाओ, चलो बेटी जैसे ये खाने हैं। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ बिकॉज ना सब सो गए हैं, प्रेरणा पुनीत अंशु और सब सो गए हैं, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ना अभी जितने भी रिजॉर्ट हम लोगों ने लिया है उनमें सब में किचन की फैसिलिटीज़ हमें दी हुई है। तो ना मम्मी, वैसे तो हम मम्मी को बोलते हैं कि घर पे भी बना रहे हो यहाँ बाहर से ऑर्डर करो, या जो एक मील ऐड ऑन होती है वो हम ले लेते हैं, वरना हम बाहर से खाते हैं, पर मम्मी मान ही नहीं थी, मम्मी कह रही मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। खाना तो नहीं खिला रही ना, तेरा ऑर्डर भी आने वाला है, देखते हैं खाना बना रही है। मम्मी खाना बना रही हैं, पर मैंने कहा मुझे नहीं खाना, मुझे आप एक चाइनीज़ प्लेटर मंगा दो, जिसमें मैंने मंगवाया है अपने लिए फ्राइड राइस, नूडल्स, मंचूरियन, चिली पटेटो, एक शेक उसमें ऐड ऑन है। और मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पे हमारे दो रूम, उसके साथ साथ हमारा एक ये रूम भी है, हमने तीन रूम लिए थे आज, क्योंकि उधर हमें हमने नहीं लगाया, खुद लगे हो। और गई हमने ना एक और ऊपर देखा था, उसमें तीनों रूम ना एक ही में थे, मतलब एक ही फ्लोर भी नहीं, मतलब एक ही घर में तीन घर जैसे हमारा पहले थे तो वैसे थे, पर ना वो एक फर्स्ट फ्लोर ऊपर रहा था, तो मम्मी ने कहा ग्राउंड फ्लोर लेते हैं, तो फिर हमने ये वाला ले लिया था। हाँ मैंने बताया अब हम देहरादून आए हैं, हो सकता है मसूरी जाए सुबह, तो बोल ही देते हैं व्लॉग ऑन ही है, ऐसा हो सकता है जब मसूरी जाए, ठीक है। कपड़े लिए जी, कपड़े बार बार खरीदे, जो खरीदे हैं पहन के खड़ी हूँ मैं, ये रहे तो ये क्यों, तुमने कहा था एक एक हमारे पास है,
सूट के अलावा वन पीस पहनने के अलावा गाइस पता मैंने ना अभी डेली वन पीस पहना है, अब मेरा ना और वन पीस पहनने का दिल नहीं कर रहा। एक मिनट वो टीचर, हां एक तो तुमने दो ड्रेस खरीदी है और दो तुम्हारे सूट के बाद बचे हुए दो हैं, वो दो तुमने खरीदी है। चलो मिलते हैं। गाइज ये रात के 11 बज रहे हैं और मम्मी ने कुछ कुछ ऑर्डर किया है और दो दो जोमेटो वाले भैया आए हैं। पुनीत चल आ जा, तू तो आ जा। और मम्मी ने ये स्वीट्स वगैरह क्यों मंगाई है यार, और बाकी चल। और ये वैसे बाहर से रिजॉर्ट है, मैं आपको दिखाया नहीं मैंने बिकॉज रात ही हो गई थी। और ये मम्मी ने कुछ कुछ मंगाया है, ये मेरी चिज्जी है। पुनीत कौन से कमरे में खाना खाएंगे हम, या बाहर कहीं खाएंगे? गाइस अब फाइनली खाना हो चुका है हमारा रेडी, और मैंने तो वैसे अपने लिए बाहर से मंगवाया था चिली पटेटो, चिली पनीर और फ्राइड राइस, और ये बदतमीज मिर्ची खा ले। कौन आ गया? नहीं कौन आ गया, सो रहे थे। और वो कड़ी चावल है और ये मम्मी ने बनाया है, चावल सैलेड राइस और ये क्या है दाल, दाल बनाई है मम्मी। क्या बनाया मम्मी, दाल है क्या बनाया? दाल और बर्तन वगैरह सब किचन में थे, वो हम लेके आए हैं। और अब चले रोटी, ओ इसमें रोटी है पर सब्जी तो लेके आओ जाके, कोई पहले बर्तन तो लिया खाइए है, बर्तन प्लेट तो लिया, प्लेट अपने ओए वो गंदे थे इसलिए रखे हुए थे यार, तुमने ही सोना है रात को यहाँ पे। तो चले गए खाना खा पी ले, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। बाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आप सभी के। और गाइस हम लोग अपने रिजॉर्ट चेक आउट, अच्छा गुड आफ्टरनून गाइस सॉरी, और हम लोग गाइस अपना रिजॉर्ट चेक आउट करके निकल चुके हैं। इसके तो बिल्कुल नेटवर्क उड़ गया, वो मेरे चेहरे का मैसेज आ रहा है। और ये यहाँ का अभी हम देहरादून में गाइस जैसे, और व्यू यहाँ का बहुत प्यारा है। और अभी हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं गाइस। मम्मी आगे लो ना, आप आगे पेड़ है ना भाई, आगे पेड़ है, लो ये निकलेगी, काटो आप। और ये गाइस पुनीत कहीं पे भी बहस करने से बाज नहीं आता, बताना नहीं पड़ेगा क्या, इसकी यही काम है। और चले गाइस गाइस आदि मानव इसी पेड़ पे रहते थे क्या, तो ग्रीनरी होने का कितना फर्क है भाई, तुम तो निकालो मैं तो निकाल लूंगा। देखो गाइस देखो इसको, हम तो दिल्ली से हैं, क्या करें क्या करेंगे दिल्ली से, तो हमें पता है कि देखो गार्डन, गार्डन देख कितना प्यारा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग निकल चुके थे रिजॉर्ट से कहीं जाने के लिए, पता नहीं यार मैं नाम बार बार भूल जाती हूँ, मम्मी बताती तो है। तो ना अभी यार हम लोग जा रहे थे रास्ते में तो ये व्यू ना काफी अच्छा लग रहा था, तो हम यहाँ रुक गए थोड़ी देर अपना वीडियोस फोटोज करने के लिए, और सब लोग वहीं पर। बाकी मैं आ गई क्योंकि गई इधर एक मंदिर भी था, मैंने कहा चलो मैं ये देख लेती हूँ तब तक। बाकी यार ये व्यू इधर का सच में अच्छा है देखो। गाइस और मेरे ना बाल वॉश नहीं हो रहे, गंदे हो रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये खराब मुझे खराब खराब से लग रहे हैं, मुझे इनके ऊपर गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूँ यार, कुछ कर भी नहीं सकती। पर चलें कोई नहीं, मिलते हैं। भूख लग रही है यार, सुबह चाय पी थी बट उसके बाद कुछ खाया नहीं, तो अभी कहीं जा रहे हैं, वहाँ जाने के बाद वहीं पर खाएंगे पियेंगे, तब मिलते हैं। बाय जी। हाँ गाइस मैं तो पता नहीं बोल ही नहीं पा रही, पापा वो देखो जो आप बोल रहे थे ना ऊपर जाने के लिए सामने से, वो है समझे। और पर ये यहाँ लोकेशन नहीं है, पापा कह रहे हैं और आगे चलना पड़ेगा। चलो गाइस मिलते हैं। पहले जो जगह आपको बताई थी हम उसी जगह पे अभी आए हुए हैं, और ये वो जगह है, और हम लोग अभी एक पत्थर के ऊपर खड़े हुए हैं जो कि बहुत बड़ा पत्थर है। पुनीत और मैं चले थे, ये सब लोग आ गए उसके ऊपर, और सब लोग वहाँ नीचे चले गए और हम लोग यहाँ पे खाने के लिए, भूख लग रही थी सबको ही, मैगी और चाउमीन मतलब जो जो हमने ऑर्डर किया है, अभी स्टार्ट ही हुआ ऑर्डर आना, उससे पहले हम आइसक्रीम खा रहे थे। मम्मी नोना के लिए फ्राइज मंगा दो ना, क्यों अच्छा चल चुके थे घर के लिए। और यहाँ पे ना अभी मैंने अपना आउटफिट चेंज किया है, प्रेरणा ने पहले कर लिया था, मैंने अभी किया, ये वाला आउटफिट मैंने वेयर कर रखा था और मैंने इसे चेंज किया क्योंकि यार मेरा ना मन नहीं कर रहा था इसे पहनने का, और अब मुझे पता नहीं क्यों पर मुझे गाड़ी में अब ठंड सी भी लग रही है, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ पूरा पहन लेते हैं, मेकअप वेकअप रिमूव करके सारा सब लिप ग्लॉस करी, और अब मैंने कहा चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से बाहर, रेस्टोरेंट भी है मॉल भी है, सबने कहा कुछ खा पी भी लेते हैं, हमने कहा चलो ठीक है। अब मैं वापस अपने लोअर और टी शर्ट पर आ गई। चलो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं वापस अपने घर, और रास्ते में मैंने बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं करी गाइस क्योंकि मैं नशे में होती हूँ और मैं सो जाती हूँ यार,
मतलब ना मैं गाड़ी में बैठती हूँ ना तो मुझे सब यही बोलते हैं कि घर में तुझे नींद नहीं आती, गाड़ी में बैठ रही तो कैसे सो जाती है। नशे इन द सेंस कि गाइस मैं नींद के नशे में थी यार, मुझे ना बहुत नींद आती है पर आधी सिर्फ गाड़ी में। गाड़ी में बैठते ना मुझे ऐसा फील आता है कि मुझे झूले लग रहे हैं और मैं सच में सो जाती हूँ। और हम लोग अभी आए हैं गाइस सम्राट, क्योंकि ना हम लोग रास्ते में आए थे कुछ, मतलब पता नहीं किस रास्ते, गलत रास्ते से आए थे, मे भी कुछ पड़ा ही नहीं रास्ते में, तो इसलिए हम लोग फिर अब सम्राट आए हैं कुछ खाने के लिए और खा पी के घर जाएंगे, फिर मिलते हैं। गाइज हमने दिए अभी सम्राट में आए थे, और गाइज पता है आज ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने सम्राट का पूरा मेन्यू चेक करा है, और तब भी मैंने मंगाया अपने लिए दाल मखनी और नान ही है क्योंकि मैं हमेशा वही खाती हूँ। और मम्मी ने अभी सैलेड ही मंगाया क्योंकि यार अभी यही आया है सैलेड बस। नोना को खीरे वीरे पसंद है, नोना पसंद करती है, और नोना तो गाइज ओनियन भी खा लेती है, इसको सैलेड में ये भी पसंद है। और हम सारे बैठे हैं वेट में, प्रेरणा की थोड़ी तबीयत खराब है टूर पे से, इसको कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है प्रॉब्लम से, बाकी चले इसे बंद करते क्योंकि ऑर्डर तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। और वेट में बैठे हैं कि कब हमारा ऑर्डर आए और हम खाएं और फिर घर जाके हम सो जाएं क्योंकि बहुत नींद आ रही है। और हमारे आदित्य ब्रो हमें बहुत मिस कर रहे हैं, घर जाते मुझे नहीं लग रहा घर जाके नींद आई, घर जाके नहाऊंगी गाइस कपड़े वपड़े बदलूंगी उसके बाद राम भरोसे नींद आएगी या नहीं आएगी वो उसका तो मदद नहीं कर सकते। पर फ़ोन में चार्ज नहीं है, जाके पूरा फुल चार्ज करूँगी और रात भर फ़ोन चलाऊँगी, फिर एंजॉय करूँगी फ़ोन चला के, सबसे ज़्यादा एंजॉय में फ़ोन चला के ही करती हूँ गाइस। बहुत उसका फ़ोन ही छुपा दूँगा ये बहुत मज़े की, कोई नहीं मैं किसी और को चला लूँगी गाइस, बहुत मज़े की चीज़ होगी। और बाकी वेट कर रहे हैं, चले अभी क्या हो गया पुनीत गाइस बहुत ज़्यादा नींद में हो रहा है, मैंने इसे बोला था थर्ड टाइम गाड़ी मुझे दे दे चलाने के लिए, इसने दी नहीं गाइस, अब नींद में हो रहा है इतना। गाइस हम आ गए घर फाइनली और सारा सामान निकाल रहे हैं, और पता है आदित्य ही से यही दिख गया था भाई, यही से शुरू हो गई। बुग्गो बुग्गो ये कौन है, ये कौन है, ये काजल है आपकी, हमारी आदवा आई, हमारी याद है आपकी तो आई, इसकी आ रही है मेरी नहीं आई, तेल लगा वालों में क्यों बिल्ली। तो गाइस ये देखे हमारे पीछे आदित्य हमारे घर पे रुके हुए थे क्योंकि आदित्य को बिना एसी के नींद नहीं आती और उसे खा। गाइस ये देखे पूरा घर भाई क्लीन करके रखा, पार्सल्स वगैरह आए पीछे, तीन आए थे बस, चार आए, पांच आए, एक डब्बा भी आया पराठा। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के, और हम सबके हाल चाल काफी बढ़िया है, थके थके से। और हम सारे गाइस रात को पता नहीं कब, मैं तो पता नहीं कब मैं सो गई यार, मैंने तो रात को फोन भी पता नहीं, मैं सुबह उठी तो आज मेरा फोन पूरा चार्ज था, वरना रात को ना मैं अपना फोन एक बार पूरा चार्ज कर लेती हूँ और रात को इतना फ़ोन में लगती हूँ कि वो पूरा सुबह तक उठने तक तो स्विच ऑफ ही हो जाता है, क्योंकि बचती रात को 12-15% है, फिर सुबह उठ के वो स्विच ऑफ ही मिलता है मुझे, पर आज मेरा फ़ोन पूरा चार्ज था। तुम लगाया था और 13 सुबह मैंने हटाया था 6 बजे करीब, तो सो गया था अपने पास ही चार्ज पे लगा के, फ़ोन रात को पास लेके नहीं सोने चाहिए पर फिर भी मैं तो पास लेके ही सोती हूँ गाइस। और बाकी सब लोग अभी भी सो ही रहे हैं, मेरी नींद खुल गई यार, पता नहीं क्यों खुल गई नींद आ रही है, तो मुझे सोना चाहिए था। और अभी वहाँ पे भी उठ रहे थे 8-9 बजे, तो मम्मी डेली 8 बजे उठा देती थी 2-3 दिन, चलो तैयार हो जाओ घूमने चलना है, चलो तैयार हो जाओ उठ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो पूल में चले जाओ, मज़े आए। पर गए इस 3 दिन हमारे बहुत अच्छे बीते, बाकी आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कौन सा रिजॉर्ट था, कहाँ गए थे, कितना क्या हुआ, ये वो सब बताओ, तो वो हम डिसाइड करके आप लोगों को सोने एक ब्लॉग देंगे। बट तब तक के लिए आप लोगों को व्लॉग्स में कितना मज़ा आ रहा है, वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी अपडेट्स दिए हैं, मैंने व्लॉग से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे अपडेट दिए हैं जो भी स्टोरी रील्स, तो जो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते मैं अपनी आइडियाज शेयर कर दूँगी, वहाँ पे फॉलो करना, मैं कहीं भी जाती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे बहुत अपडेटेड रहती हूँ। गाइस क्या हो गया कुत्तों को, पर चले इसी के साथ अब मैं ये वाला ब्लॉग एंड कर रही हूँ और आपसे मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, और अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, और हम लोग वैसे हमने सोचा था कि हम थोड़ा लेट आएंगे पर जल्दी भी पुनीत बनकर जल्दी भी इसलिए आना पड़ा क्योंकि मुझे और थोड़े काम थे और वो भी अर्जेंट है,
तो मिलेंगे आप लोगों से थोड़े टाइम बाद, बताते हुए सब चीज़ें। बाकी इस वाले ब्लॉग को लाइक शेयर कॉमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।